कि अटल आएगी 2000 स्क्रीन पर रिलीज करेंगे। जब ये फिल्म ऑफर हुई आपको, सेकंड थॉट्स थे कि ये बहुत ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है? जी मैं डर गया था कि मैं न्याय कैसे कर पाऊंगा, मुझसे पता नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो मैं 7-8 दिन लिया, तब स्क्रिप्ट भी नहीं थी। मैं बोला स्क्रिप्ट दो, बोले स्क्रिप्ट नहीं है, अभी तो लिखेंगे। तो मैं बोला फिर है क्या? बोले आप उनके ऊपर किताबें कुछ पढ़ लो तब तक। तो मैं पढ़ने लगा और मेरे एक दो दोस्त मिले, वो किताबें देख के पूछे कि क्यों पढ़ रहे हो। मैं बोला यार फिल्म बनाने का कह रहे हैं, कोई करो। मैं बोला तुम्हें भी लगता है मैं वाकई करेक्ट आदमी हूँ? विनोद भानुशाली जी ने कहा था अगर आप नहीं करेंगे तो फिल्म नहीं बनाऊंगा। मैं बोला इतना भरोसा आपको मुझ पर? मैं डरा था कि उनके श्रद्धेय अटल जी के चरित्र से कितना न्याय कर पाऊंगा। विराट व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व की कहानी 2 घंटे के सिनेमा में संभव नहीं है ला पाना। से मिला जो मेरे एक्टिंग के टीचर हैं, तो मुझे लगा कि आकार को क्यों पकड़ना, जो निराकार है उसको पकड़ो ना। आकार तो आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन जो विचार है, जो व्यक्तित्व है, जो उनकी चेतना है, उसको पकड़ो। फिर मैं लग गया उस मार्ग पे और मैंने इस फिल्म में जो स्क्रिप्ट है उस गिवन स्क्रिप्ट में मैंने प्रयास किया है अटल जी की चेतना को पकड़ूं, उनके व्यक्तित्व और विचार को पकड़ूं, इमिटेशन कम से कम हो। अब हम अपना काम ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, मेहनत से कर लिए हैं। अब उनकी बेटी ने देखा दर्शकों पे, उनकी बेटी ने देखा, आपने दिखाया उनको? मुझे लगता है कि मैं उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूँ इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। उत्तर तो है मेरे पास, लेकिन इसका मैं नहीं हूँ उपयुक्त व्यक्ति। क्योंकि अटल जी को आपने देखा होगा बचपन में, जो स्पीच दूर से देखा हूँ मैं, 500 मीटर दूर से एक रैली में देखा हूँ। मैंने भी उन्हें बचपन में देखा था, फिर उसके बाद काम के दौरान उनसे मुलाकात हुई कई बारी। बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्तित्व था उनका। आपने कविता सुनाई है पिक्चर? हाँ जी कविताएं भी हैं। कुछ कुछ कविताएं हैं और सीन में आती हैं कहीं कहीं पे। तो कविताएं भी सुनाई हैं और अटल जी के अपनी आवाज में भी कविता आती है एक दो जगह पे फिल्म में। अच्छा। हाँ, अंत में कविता की एक बात, एक किस्सा सुनाती हूँ आपको कि हम लोग अमेरिका का दौरा था और वो प्रधानमंत्री थे उस वक्त, और जैसे होता है ना कि इंट्रोडक्शन करते हैं तो राजदूत जो हैं वो वहाँ के, उन्होंने एक लंबा सा एक भाषण दिया, 18-20 मिनट का भाषण था। कभी ऐसे होता नहीं है, इंट्रोडक्शन छोटा सा होता है। उसमें वो उन्होंने गीत नया गाता हूँ उन्होंने कहा, मैं नया गीत गाता हूँ, और पेपर शफल करने लग गए, कविता मिली नहीं क्योंकि इधर उधर हो गई पेपर, तो सब लोग एक दूसरे को देखने लग गए और अटल जी मीडिया की तरफ देख के मुस्कुरा दिए, क्योंकि वो अंदर का जोक था कि मेरी कविता मुझे क्यों सुनाते हैं ये सारे राजदूत। खैर वो एक रोल था, उन्हें करना था, तो राजदूत बोल गए, उसके बाद वो जाके बैठ गए। फिर जो उस वक्त विदेश मंत्री थे उन्होंने बहुत ही लंबा चौड़ा भाषण, वो 20-25 मिनट वो बोले, तब तक अटल जी बोर हो चुके थे क्योंकि दोनों भाषण बहुत ही बोरिंग थे। इंसान बहुत अच्छे थे, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम, लेकिन भाषण इतना लंबा चौड़ा, और वो भी जेट लैग, हम लोग भारत से आए थे, 18-17 घंटे की जर्नी। तो फिर जब अटल जी, फिर उनकी बारी थी बोलने की, तो वो कहते हैं ऑडियंस की तरफ देख के बोलते हैं कि पहली बात तो किसी को इतनी लंबी चौड़ी भाषण कभी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये लिखना चाहिए कि कोई भी जो राजनीति करता है लंबे चौड़े भाषण ना दे, क्योंकि जब वो लंबे चौड़े भाषण देते हैं इसका अर्थ है कि देश में कुछ गड़बड़ है। हम लोग सब हंस पड़े, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे अमेरिकन बैठे हुए थे, उन्हें समझ में नहीं आया कि उन्होंने कहा क्या, क्योंकि अटल जी का बोलने का ढंग ऐसे था कि एक अलग ही मीनिंग हो सकता था, एक स्ट्रेट लेवल मीनिंग है, उसके अंदर उसके भीतर एक और है, कुछ और है, जी है ना, और वो जो पॉजेस, हाँ वो तो एक स्टाइल है बोलने का, अद्भुत, उसको इमिटेट करना मुश्किल है, असंभव है। हाँ, आपने कैसे किया? वो पॉजेस है आपके जब आप बोलते हैं? कहीं कहीं है, कहीं कहीं चूंकि सिनेमा है तो थोड़ा सा उसका नाट्य रूपांतरण है। इनफैक्ट हम स्वयं अटल जी नहीं है, अटल जी के किरदार का हम नाट्य रूपांतरण कर रहे हैं, तो एसेंस रखे हैं, कहीं कहीं पॉजेस भी हैं। हाँ।
पर थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट किया गया है उसमें। और बचपन से लेके जी हमारी कहानी बटेश्वर के उस बच्चे की कहानी है हाँ। जो आगे चल के अटल बिहारी वाजपेयी नाम के कवि और राजनेता बनते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं हाँ। तो बचपन से कहानी है प्रधानमंत्री बनने तक की। और उसमें उनके खाने के बारे में उनके हाँ हाँ उनका खाना वो ये खाने के प्रति प्रेम लगाव सब है। और वो मजाकिया भी थे काफी हाँ। वो भी है वो भी है, है। हाँ। लेकिन उस पे ना मैं जब रजत जी से मिला और जब मैंने दो चार ह्यूमरस किस्से सुने ये कपिल देव जी सुनाए थे हमें कपिल देव को अपने क्रिकेटर कपिल सर मैं हंसते हंसते गिर गया था वो किस्सा सुन के। तो ये बहुत अद्भुत उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था। मैंने बाद में बहुत किस्से सुने और मुझे लगा यार पहले सुना होता तो कुछ करके किसी एक सीन बढ़ा के एक किस्से थोड़े से डाल देते। इतने बड़ा व्यक्तित्व विराट व्यक्तित्व वही होता है हम जिससे इस रिसर्च में और फिल्म के दरमियान मिले हैं हर व्यक्ति के पास अटल जी से संबंधित 15 कमाल के किस्से हैं जी। अब उन सबका फिल्म और बनाए तो कई सीजन बन जाए और हम पत्रकारों के पास तो काफी सारे ऐसे किस्से लेकिन हम रिपोर्ट भी नहीं कर सकते थे और हम कह भी नहीं सकते थे। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड प्राइम मिनिस्टर्स मैं ये कहूंगी। जैसे जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर जब वो पिक्चर बनी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर तो मैं अनुपम खेर की बहुत बड़ी फैन हूँ। वो एक्टिंग के मामले में तो ही हैज़ डन सच अ बिग सिनेरियो उन्होंने हर रोल में उन्होंने ही हैज़ गॉट फेम। लेकिन जब वो पिक्चर बन के आई और जब मैं बाहर निकली तो मुझे एक अनकम्फर्टेबल फीलिंग था कि दिस वॉज लाइक अ हिट जॉब। लेकिन जो किताब थी वो हिट जॉब नहीं थी। उसमें किताब में उनकी सेंसिटिविटी बहुत निखर आई थी लेकिन जब हमने देखा पर्दे पर फिल्म में। शायद हो सकता है कि हम जब किताब पढ़ रहे हों या फिर हम उस किरदार उस इंसान के बारे में जानते हों तो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। हाँ मैम वो किताब आप पढ़ती हैं तो उस पढ़ते वक्त जो टेक्स्ट है उसका विजुअल हमारा अपना होता है हम बनाते हैं। सिनेमा क्या करता है ना हम बनाते हैं अपनी कल्पना से अपनी इमेजिनेशन से उस टेक्स्ट का विजुअल। सिनेमा क्या करता है बोलता है विजुअल हम फिक्स कर दिए हाँ। हमने रतन थियम एक रंगमंच के डायरेक्टर हैं हमारे सीनियर और एनएसडी के डायरेक्टर रहे हैं मणिपुर के बहुत ही शानदार डायरेक्टर हैं। तो उनकी एक बात कमाल लगती है कि थिएटर में चांद दिखाना होगा तो निर्देशक अभिनेता आएगा मंच पे खड़ा हो जाएगा और वो ऊपर देख के बोलेगा आह कितना सुंदर चांद है आज दिख रही हो नैना प्रेमिका से या किसी से भी कितना सुंदर दिख रहा है ऐसा लग रहा है। और ऑडिटोरियम में बैठे 30 लोग या 300 लोग 300 चांद देखेंगे अपनी अपनी स्मृतियों के चांद क्योंकि वहां चांद नहीं है। सिनेमा में सेम शॉट होगा नायक बोलेगा कि प्रियतमा वो देखो आज का चांद कितना सुंदर है और डायरेक्टर कट टू एक चांद का शॉट दिखा देगा तो 300 लोग एक ही चांद देखेंगे लेकिन थिएटर में 300 लोग 300 चांद आप अपना चांद देखेंगे। तो जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं ना तो विजुअल्स आप क्रिएट करते हैं जो आपके एक्सपीरियंस में है जो आपके इमेजिनेशन में है। जब विजुअल मीडियम में सिनेमा वीडियो फॉर्मेट में देखते हैं तो विजुअल फिक्स हो गया कि यही देखो वो। इसीलिए मुझे थोड़ा सा डर लगता है अटल जी के ऊपर। नहीं नहीं आप निश्चिंत रहें हाँ। मैं अपनी संवेदना और अपनी समझ के हिसाब से हाँ। इतना तो आश्वस्त कर ही सकता हूं कि आप मेरी अभिनय की आलोचना कर सकती हैं कोई भी कर सकता है ऊंच हुआ नीच हुआ अच्छा हुआ खराब हुआ सब स्वीकार है। मैंने अटल जी के रिसर्च में यही समझा कि आदमी को भीतर से लोकतांत्रिक होना चाहिए तुम्हें हर कोई पसंद नहीं करेगा। विचारधाराओं की एक समस्या होती है आइडियोलॉजी की हर आइडियोलॉजी चाहती है कि मेरी आइडियोलॉजी हर कोई पसंद करे हाँ। ये संभव नहीं है और हर आइडियोलॉजी को लगता है कि मेरी आइडियोलॉजी सही है ये भी संभव नहीं है और थोपने की जरूरत नहीं है। प्रस्पेक्टिव हर किसी का अलग अलग हो सकता है तो अटल जी के व्यक्तित्व से मैंने समझा कि असहमतियों की भी सहमति होनी चाहिए। मेरे अभिनय में ऊंच नीच और आलोचना होगी मैं स्वीकार रहे आप मुझे ना पसंद करते हैं मैं आपको इस बात के लिए पसंद करता हूं लेकिन संवेदना में और सौम्यता में भावनाओं में एक पैसे की ऊंच नीच नहीं हो सकती है।
अभिनय की, चूंकि मैं डायरेक्टर नहीं हूँ। सौम्य, सौम्य और मृदुल, हाँ ये तो आप हैं, आप चाहे आप चाहे डाकू का रोल करें, आप चाहे कसाई का रोल करें, तो वो तो होगा। तो हमने उनके उनके व्यक्तित्व के, उनका जो साहित्यिक पहलू थे, जो संवेदनाएं थी, वही तो मैं बोला मैं चेतना पकड़ने की कोशिश की हूँ, चेतना पकड़ में आ जाए बस। आपने गांधी पिक्चर देखी है? हाँ हाँ, कमाल की फिल्म थी गांधी, बेन किंग्सली। हाँ, हाँ। तो उसके बारे में मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ कि मेरे एक रिश्तेदार थे, वो एडवाइजर थे उस वक्त रिचर्ड एटनबरो के साथ। तो बेन किंग्सली जब रोल कर रहे थे तो उन्होंने वो क्लोज है ना, हाँ जी, हाँ जी। नीचे वाला, हाँ जी। और ये थोड़ा वाइड है, वाइड है सर। और ये टू शॉट है, वो वाइड है, ये टू शॉट। हमारी शूटिंग में अगर 6 कैमरा होता तो 6x6 36 लोग यही खड़ा होते, एक के पीछे 6। नहीं, क्योंकि एक फोकस पुलर, एक कैमरा अटेंडेंट, एक डॉली वाला, एक फलाना वाला, हाँ। तो 36 लोग यहीं पर, 36 आंखें होती है, अब उसमें बात करो आप। और आप कैसे फिर वो रोमांस कैसे कर लेते हैं? अब समझो ना, उसमें पता चला कि एक जो है ना, हम बात कर रहे हैं, आज कुछ कलरफुल कपड़े पहन के आया है और वो ऐसा खुजली करने लगा। अब मेरी नजर जा रही है कि यार ये क्यों हिल रहा है, तो मैं सीन में इंक्लूड करते हुए मैं देखा, मैं यार ये क्यों कर रहा है, हिल मत ना, रुक जा। कोई कलरफुल शर्ट पहन के आ रहा है और वो किसी दूसरे को पीछे इशारा कर रहा है कि वो, अब आपके आई लाइन में दिख रहा है एक आदमी हाथ ऐसा ऐसा। हमें कभी कभी वो न्यूज में करना पड़ता है, हम करे। एक बार तो मैं बोल रही थी और एक बंदा साइकिल करते हुए यूं 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 देख के जाके खड्डे में गिर गया, देख के वो हमारी तरफ देख रहा था। ऐसे ही होता है, पर उस टाइम सीधा करना होता है, लाइक कुछ कह नहीं सकते आप। पर मैं क्या करता हूँ ना मैम, एक्टिंग में भी नॉर्मली, कि मैं कोई गलती हुई, कोई साउंड मुझे डिस्ट्रैक्ट किया, मतलब क्लिप गिर गया लाइटिंग से, लाइट के ऊपर से टक से साउंड आया, मैं सीन में उसको इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ। एक बिगनिंग में डायरेक्टर बोलते थे कट, क्या हुआ? बोले आपने उधर नीचे देखा। मैं बोला हाँ, क्लिप गिरा एक। तो नहीं, पर सीन में है। बोले सीन में क्या, बैकग्राउंड में गिरा देना कोई एक चीज सीन में, तो कैरेक्टर ने साउंड पर रिएक्ट किया, क्या है? हाँ कुछ नहीं है, चम्मच गिरा है, एक चम्मच का साउंड डाल देना। क्योंकि जिंदगी में भी तो ऐसे ही होता है ना, कौन, जब मैं बात कर रही हूँ आप साइलेंट है, फिर आप बात कर रहे हैं मैं साइलेंट हूँ, ऐसे तो होता नहीं है। मतलब होता ही है, हाँ ओवरलैप होता ही है, प्लस परफेक्शन बोल के एक्टिंग में कुछ नहीं होती। पर जब आप ऐसे कहते हैं तो डायरेक्टर मान जाते हैं? इन दिनों तो मान जाते हैं थोड़े बहुत पहले तो मानते थे नहीं, क्योंकि बेस्ट रनर हो सकता है जो 9 सेकंड में 8 सेकंड में 100 मीटर दौड़ा, वो दुनिया का बेस्ट धावक है उसेन बोल्ट। बेस्ट एक्टर नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई पैरामीटर क्या है। मेरी एक्टिंग आपको बहुत पसंद है, संभव है कि आदमी को बहुत ना पसंद हो। हम आर्ट को अपने एक्सपोजर, अपनी समझ के हिसाब से नापते हैं। क्लासिकल संगीत में हमारे कई मित्र हैं, राणे साहब हैं, डूबे रहते हैं, आहा। और दूसरे व्यक्ति को क्लासिकल संगीत बजा दो तो सो जाएगा, चला जाएगा कि क्या है यार, बोर हो रहा हूँ। इसलिए नहीं कि वो खराब है, तुम नहीं समझते हो, तुम्हारी समझ अभी उतनी विकसित नहीं हुई है, या तुम्हें आवश्यकता नहीं है समझने की। कई क्लासिकल म्यूजिक संगीत के शौकीन लोग उसका सर खा जाएंगे कि तुमको समझ नहीं है, उसका जरूरत भी नहीं है समझने की। हाँ। उसके जीवन में नहीं है औचित्य। तो दोनों हो सकता है, दोनों सही है। मैंने देखा हुआ है, वो जब आलाप गा रहे हैं तो बंद कर देते हैं कि हाँ जब भजन आएंगे तब हम उठेंगे, तब हम उठेंगे, तब तक आलाप के टाइम वो फोन पे रहते हैं या फिर, और मैंने ये, इट इज वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।